Hi guys, welcome. This is your Sammir Kohli sir with another lecture of the topic called geometric progression. Last lecture में मैंने आपको geometric progression की introduction कराई थी. तो मैंने बोला geometric progression. ध्यान से देखना. अगर मैं बोलता हूँ write a GP, तो तुम लिखोगे AR, AR square, AR cube, dot 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 AR की power n minus one. और इस GP में ये first term है, ये second term है, ये third term है, ये फोर्थ टर्म है और ये nth टर्म है और इस पूरी जीपी में n टर्म्स हैं. अब जरा ध्यान से देखना जो मैं कहना चाह रहा हूं. मैंने कहा a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर की पावर n माइनस वन. व्हाट डू यू कॉल इट? आप इसे क्या कहोगे? आप कहोगे सम ऑफ n टर्म्स, क्योंकि टर्म्स कितनी है, n terms of a GP. चलो जी, जय माता दी. सम ऑफ n टर्म्स है तो कैपिटल S और n लगा दिया और इन भाई साहब को मान लिया इक्वेशन वन, अगर दिख रहा है तो. अब मैंने कहा मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय R. मेरे बच्चों ध्यान से देखना, जब आप R से मल्टीप्लाई करोगे तो R टाइम्स एस एन बराबर हो जाएगा, थोड़ा सा खिसकाना, ज्यादा मत खिसकाना, ये हो जाएगा ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर फोर डॉट 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 ए आर की पावर एन माइनस वन. लास्ट टर्म थी ए आर की पावर एन माइनस वन को जब आर से करेंगे तो आर का मतलब होता है इक्वेशन आर की पावर वन. ए आर की पावर एन माइनस वन ए आर की पावर एन, ए आर की पावर एन आ जाएगा लास्ट टर्म अगर साथ हो तो. मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसे माना इक्वेशन टू. अब मैंने बोला इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू, इसको ध्यान से देखना. इक्वेशन वन ये है और इक्वेशन टू ये है. जब इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू माइनस होगी तो ये ए आर प्लस में है, ये वाला ए आर माइनस में आएगा तो कट जाएगा. ये आर स्क्वायर प्लस में है, ये ए आर स्क्वायर माइनस में है, कट जाएगा. थर्ड से थर्ड कट जाएगा और ये वाली टर्म तक कट जाएगी, बचेगा कौन? ध्यान से देखना, अगर देख रहे हो तो बचेगी इसकी पहली टर्म और इसकी लास्ट टर्म. तो क्लास देखे तो इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू आएगा एस एन माइनस आर टाइम्स एस एन बराबर, इसकी पहली टर्म पॉजिटिव होगी ए माइनस ये लास्ट टर्म जो होगी, क्योंकि माइनस करा आ जाएगा ए आर की पावर एन. अगर क्लास देखे तो एस एन कॉमन आ रहा है, अंदर बचा वन माइनस आर, यहाँ से ए कॉमन आया है, वन माइनस आर की पावर एन, एस एन बराबर आ गया ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन होल डिवाइडेड बाय वन माइनस आर. होल डिवाइडेड बाय क्या बेटा? वन माइनस आर. इसको बोलते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी. क्या बोलते हैं बेटा? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी की मैंने आपको डेरिवेशन कराई है. अगर समझ आई है तो एक बार इसको और कर लेना. एस एन ए मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा आर की पावर एन माइनस वन, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लिया तो हो जाएगा आर माइनस वन, माइनस से माइनस कट जाएगा तो सम ऑफ एन टर्म्स का एक और फॉर्मूला आ जाएगा आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन. अब ये करने की क्या ज़रूरत थी मास्टर जी? ये करने की ज़रूरत सिर्फ ये थी कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये बता दूँ. ये वाला फॉर्मूला लगेगा जब आर इज लेस देन वन और ये वाला फॉर्मूला लगेगा जब आर इज ग्रेटर देन वन. बच्चा बोलेगा अगर आर वन हो तो सम ऑफ एन टर्म सीधा है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर की पावर एन माइनस वन. आर की वैल्यू जैसे ही वन डालोगे तो ये सब टर्म्स एस एन बराबर आ जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए डॉट 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 एन टाइम्स, और ए जब एन बारी आता है तो सम हो जाता है एन ए. सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जी पी
जब आर वन हो तो ये होगा, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन चार बार आता है तो फोर इंटू वन होता है, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन डॉट 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 टेन टाइम्स आता है तो टेन इंटू वन होता है, वन प्लस वन प्लस वन डॉट 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 एन टाइम्स आएगा तो एन इंटू वन होगा, और क्योंकि यहाँ पर ए आ रहा है तो एन ए। लास्ट बार बोलूंगा सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर व्हेन आर इज लेस देन वन। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है एन इंटू ए व्हेन आर इज इक्वल्स टू वन। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन व्हेन आर इज मोर देन वन। तीनों फॉर्मूलाज हैं ये आपके फॉर्मूलाज जो हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी की। मैंने आपको डेरिवेशन कराई है, थोड़ा एक्स्ट्रा कराना हो तो यहाँ पे लिख देना ए इज द फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशो एंड एस एन, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड एस एन इज द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। दिस इज योर डेरिवेशन, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, मैंने आपको डेरिवेशन करा दिया है, इसको एक बार आप कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।